राजवीर, ये तूने क्या किया? तूने पलकी को ऐसे कैसे प्रपोज कर दिया? अपने प्यार का इजहार कैसे कर दिया? नहीं करना चाहिए था, ऐसे कौन प्यार का इजहार करता है? राजवीर ने वो सारी बातें मुझसे क्यों कही होगी? और कही तो क्या मन से कही? क्या उन बातों का कोई मतलब था? और ये शनाया भी ना पगली है, यूं तो कहती रहती है कि इसे राजवीर से प्यार है, और आज कह रही है कि शौर्य से प्यार है, कल को ये ना कह दे कि इसे शौर्य से प्यार भी नहीं है। पर इसने ये भी तो नहीं कहा कि इसे राजवीर से प्यार नहीं है। शौर्य अच्छा लड़का नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है जैसे शौर्य की नजर है उस पे, और शनाया को बस शौर्य की बुरी नजर से बचाना, और कुछ नहीं। शनाया की इतनी फिक्र क्यों करते हो? क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ पलकी, इसीलिए शनाया की फिक्र करता हूँ। और राजवीर, ये तो शनाया के लिए इतना पजेसिव है, इतना प्रोटेक्टिव है, उसका इतना ख्याल रखता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजवीर शनाया से नाराज है और अब नशे में नहीं है तो कोई सफाई भी नहीं दे रहा है, बातों को जाने दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, शनाया को शो ऑफ कर रहा है कि अगर शनाया को उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो इसे भी नहीं है। ओह गॉड, सब कुछ कितना उलझा हुआ है। भाई भाई भाई, बस 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 बस, रुके रुके, आ गया। मम्मा, मम्मा, सॉरी। नहीं, इट्स ओके। मुझे पता था कि तुम नशे में हो और इसलिए तुमने जो भी कहा उसका कुछ मतलब नहीं है। आई नो। नहीं, वो एक्चुअली मैंने जो कुछ भी कहा वो, सर इनका पल्लू नहीं निकालिए, मुझे जाना है जल्दी। हाँ सॉरी। एक्चुअली मैं यही बताना चाहता था। मुझे लगा कि वो, तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लगा कि क्या? कि अब कुछ नहीं, छोड़ो, बाय। वो